लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, हल्ला बोल की जयपुर में बीजेपी का महाघेराव नजर आया। बीजेपी ने बड़ा प्रदर्शन किया, सचिवालय घेराव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कूच किया, स्टैचू सर्किल पर पुलिस ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को रोका, कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस आमने सामने हुए, कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हुई, पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोटर कैनन का इस्तेमाल किया। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने सड़क पर धरना दिया और बीजेपी नेताओं ने गिरफ्तारियां दी। देखिए मुझे भी चोट आई, लेकिन हम चोटों से घबराने वाले नहीं हैं। हम भी कार्यकर्ताओं के साथ, जैसा मैंने कहा था, कार्यकर्ताओं ने कहा आपके लिए अलग गाड़ी, आप गाड़ी में बैठिए। मैंने कहा हम भी आपके साथ पैदल चलेंगे, पहली लाठी हम खाएंगे और इस सरकार को बेनकाब करेंगे जब तक राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और राम राज्य नहीं आ जाता। चाहूँ और अखंड भ्रष्टाचार में ये सरकार डूबी हुई है, उसके लिए आज ये सांकेतिक, हाँ आपको पता है, शासन सचिवालय में योजना भवन में पैसा मिला करोड़ों, सोना मिला, ऐसा देश के इतिहास में कभी नहीं हुआ, उसी शासन सचिवालय को घेरने जा रहे हैं। देखिए हमें उन मुद्दों के आधार पर सरकार के सरगना को, सरकार के मुखिया को ज्ञापन में वो सारे बातें लिख के देना चाहते हैं। हमने कहा भी था प्रशासन शासन से कम शांतिपूर्वक पांच लोग जाकर ज्ञापन देंगे, पर जिस प्रकार की हठधर्मिता आप देख रहे हैं, सरकार शायद हमसे संवाद ही नहीं करना चाहती। हम सरकार का ये पुतला यहाँ फूकेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें सरा दी, एक तरफ तस्वीरें हैं प्रदर्शन के दौरान की, जबकि दूसरे तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब बीजेपी कार्यकर्ताओं पर वोटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, और उसके अलावा जब बीजेपी के नेताओं ने गिरफ्तारियां दी थी। आज प्रदर्शन के दौरान जो भी दिखाई देता है वो सब कुछ दिखाई दिया, मसलन पहले कूच करते हुए दिखाई दिए, उसके बाद पुलिस के साथ भिड़ते हुए नजर आए, पुलिस उनको रोकने की कोशिश करने के दौरान हाथापाई भी वहां थोड़ी बहुत होती नजर आई, उसके बाद वोटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और फिर गिरफ्तारियां दी गई।